में एक मर्तबा। देखो कोई बड़ा कारनामा करके आया गांव वाला, ऐसा कारनामा करा कि सदरे जमुरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल दे दिया गांव वाला, तो गांव के वास्ते फखर नहीं फखर? तब गांव के वाले क्या करते हैं, अब उसके वास्ते तहनियती तकरीब रखते, सम्माना सभा, फूलों पे फूला डालते, अरे हमारा गांव वाला बा इतना बड़ा मेडल लाया, देख इतना बड़ा अवार्ड लाया, तू अकेला पूरी गांव की इज्जत ठहरा करा, बोलते फूलों पे फूला डालते, कहीं को डालते, एक गांव का आदमी बड़ा कारनामा करके एक बड़ा मेडल लेके आया, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके आया, बोल के पूरे मुल्क के उस पर फखर करते, करते नहीं करते? ऐसे ही मेरा वली ना संदल का मोहताज, ना चादर का मोहताज, ना जुलूस का मोहताज, ना लंगर का मोहताज, मगर साल में एक मर्तबा जो वली के विशाल का दिन आता है तो हम फखर करते हुए संदल लगाते हैं कि आज वो दिन है जिस दिन मेरे पीर ने खुदा को देखा है। हम फखर से साल में एक मर्तबा चादर चढ़ाते हैं और ये फखर करते हैं कि आज वो दिन है जिस दिन मेरे पीर ने खुदा को देखा है। और फूलों के मोहताज मेरा वली नहीं है, ना वली की खबर फूलों की मोहताज है, मगर हम उनकी इज्जत, उनको इज्जत देने के लिए फूल चढ़ाते हैं कि ये मामूली खबर नहीं है, बल्कि ये वो खबर है कि खबर वाला खुदा को देख रहा है, खुदा इस खबर वाले को देख रहा है। ये समझाने के लिए हम फूलों की ठिकार वहां डाल देते हैं। और साल में एक मर्तबा हम जो उर्स करते हैं मुर्दा समझ के उर्स नहीं करते, बल्कि हम खुशी के तौर पे करते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन वली ने खुदा को देखा है, खुदा को देखा है, खुदा के देखने पे हम, खुदा के देखने पे हम वली का उर्स करते हैं, दीदे खुदाबंदी का एहतराम बजा लाते हुए हम संदल निकालते हैं, दीदारे खुदाबंदी की कदर हमें मालूम है, इसलिए तो हम उस दिन वली के नाम का लंगर खिलाते हैं, वली के नाम का लंगर खिलाते हैं। तो ये ऐसी विलायत है, ये ऐसा मामला है, इतनी खुर्बत एक वली को होती है, एक वली को होती है, और इस खुर्बत के मामले में सरकार पीराने पीर थे, तो इसीलिए तो कहा कि रब ने मुझसे वादा किया है कि एक मर्तबा मेरी तौफीक के सामने से जो गुजर जाए तो मैं उसको बख्श दूंगा, मैं उसको बख्श दूंगा। तो यहां तक रहने का मतलब यह था कि यह रिवायत सिर्फ पीराने पीर के हयात तक नहीं थी, बल्कि आज भी मदारे पीराने पीर की चौखट पे वही फैजान जारी है, इसलिए कि पीराने पीर जिंदा है, इसलिए कि पीराने पीर जिंदा है, और आज भी जिंदगी में एक मर्तबा चौखट को चूम के आओ, फिर देखो खबर में कैसे सुकून से सो जाओगे, खबर में कैसे सुकून से सो जाओगे। हजरत मोहतरम, और फिर देखिए शान।